हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर मस्ती भरे चटपटे चुटकुले में। तो आइए शुरू करते हैं चटपटे चुटकुले। कुछ दिनों में विवाह हेतु भी स्कीम चलेगी। एससी 3 पत्नी, एसटी 2 पत्नी, ओबीसी 1 पत्नी, जनरल 1 भी नहीं, क्योंकि नौकरी नहीं तो छोकरी नहीं, आरक्षण है आरक्षण। गर्लफ्रेंड जानू, अब रात को फोन करना। बॉयफ्रेंड नहीं, रात को बात नहीं करेंगे, नहीं तो तू मर जाएगी। गर्लफ्रेंड कैसे? बॉयफ्रेंड आज मम्मी बोल रही थी, रात को तू जिस चुड़ैल से बात करती है वो मेरे हाथ मर जाएगी। हाइट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। लड़का आई लव यू। लड़की हा हा हा। लड़का अपने दोस्त से, भाई 4 बार हा हा बोली। पत्नी अगर कोई औरत तुमको फ्लाइंग किस करती है तो तुम कैसे फील करते हो? पति मैं नफरत करता हूँ ऐसी लेजी औरत से। पप्पू ने बस स्टॉप पर खड़ी एक लड़की को आंख मारी। लड़की मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। पप्पू वो तो ठीक है, मगर चेक करना हमारा फर्ज बनता है। लोग कुछ दिन सिगरेट शराब पीते हैं और आदत लग जाती है। हमको देखो, हम बचपन से पढ़ रहे हैं लेकिन आज तक आदत नहीं लगी। इसे कहते हैं आत्मसत्यम। चाचा लड़के से, बेटा तुम्हारा नोट गिर गया। लड़का मैं आज भी गिरे हुए पैसे नहीं उठाता। चाचा बेवकूफ, मैं तेरे सैमसंग नोट की बात कर रहा हूँ। लड़का कहाँ है कहाँ है? नो 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 नो। कर्मचारी अपने बॉस से, सर कल से मैं 7 बजे अपने घर चला जाऊंगा। बॉस क्यों? कर्मचारी आपकी नौकरी से घर का गुजर नहीं चलता, रात को रिक्शा चलाता हूँ इसलिए। बॉस भावुक होकर, कभी भूख लगे तो मेरे पास आ जाना, मैं भी रात को पाव भाजी का ठेला चलाता हूँ। मलेरिया मच्छर अपने बेटे से, तू बड़ा होकर क्या बनेगा? बेटा आपकी तरह मलेरिया मच्छर। मलेरिया मच्छर बेवकूफ, डेंगू का कोर्स कर ले, उसमें तेरा करियर बन जाएगा। मुर्गियों के फॉर्म में निरीक्षण के लिए इंस्पेक्टर आया। इंस्पेक्टर तुम मुर्गियों को क्या खिलाते हो? पहला मालिक बाजरा। इंस्पेक्टर खराब खाना खिलाता है, इसे गिरफ्तार कर लो। दूसरा मालिक चावल। इंस्पेक्टर खराब खाना, इसे भी गिरफ्तार कर लो। संता डरते हुए, हम तो जी मुर्गियों को 5-5 रुपये ही दे देते हैं, जो मर्जी हो खा लो। छोटा संता सिगरेट पी रहा था कि संता वहाँ आ गया। छोटे संता ने सिगरेट शर्ट की जेब में छुपा ली। संता तुम सिगरेट पी रहे थे? छोटा संता नहीं तो। संता तो फिर तुम्हारे शर्ट से यह धुआं कौन निकाल रहा है? आपने बात ही दिल जलाने वाली की है। संता की पत्नी संता से, सुनो आज मुझे किसी महंगी जगह घुमाने ले चलो। संता ठीक है, तैयार हो जाओ पत्नी। ठीक है तैयार हो जाओ पत्नी। वैसे कहाँ चल रहे हो? हम। संता पहले पेट्रोल पंप चलेंगे, फिर गैस एजेंसी और वहाँ से सब्जी मंडी। संता नौकरी के लिए एक कंपनी में इंटरव्यू देने गया। बॉस बताओ वो कौन सी चीज है जिसमें 2 टायर लगे होते हैं? संता बाइक। बॉस नहीं, होंडा बाइक। चलो दूसरा सवाल का जवाब दो, उस चीज को क्या कहते हैं जिसमें 4 टायर होते हैं? संता कार। बॉस नहीं, मारुति कार। संता सर एक सवाल मैं भी पूछना चाहता हूँ। बॉस ओके पूछो। संता उस चीज को क्या कहते हैं जो चारों तरफ से सफेद होती है और जिसके बीचों बीच काला अंडा होता है? बॉस आँख। संता नहीं, तेरी माँ की आँख। संता की शादी हो गई। संता सुहागरात पर अपनी पत्नी को बड़े प्यार से समझा रहा था। संता सबसे प्यार से रहना, सबकी इज्जत करना, उनका विश्वास जीतना, उनका ध्यान रखना, अच्छा खाना बनाना और हमेशा सच बोलना। संता की बात सुन दुल्हन फटाफट बिस्तर से उठी और कमरे का दरवाजा खोलकर चिल्लाकर बोली, सब फटाफट अंदर आ जाओ, यहाँ बाबा जी का प्रवचन चल रहा है। अध्यापिका पप्पू से, तुम इतने परेशान क्यों हो? पप्पू ने कोई जवाब नहीं दिया। अध्यापिका क्या हुआ, क्या तुम अपना पेन भूल गए हो? पप्पू फिर चुप। अध्यापिका ने फिर से सवाल किया, रोल नंबर भूल गया हूँ। पप्पू इस बार भी चुप। अध्यापिका फिर से, हुआ क्या है, कुछ तो बताओ, क्या भूल गए हो? पप्पू गुस्से से, ओए चुप कर मेरी माँ, यहाँ मैं नकल करने की पर्ची गलत ले आया हूँ और तुझे पेन पेंसिल और रोल नंबर की पड़ी हुई है। अध्यापिका बेहोश। 2 महिलाएं कुछ समय बाद मिली तो एक ने पूछा, बहन
आपने राजू बेटे की उंगली चूसना कैसे छुड़ाया? दूसरी महिला, कुछ खास नहीं, उसकी नेकर ढीली सील दी, बस अब वह उसे ही पकड़ के रहता है, उंगली चूसने का समय ही नहीं मिलता। दो औरतें आपस में बात कर रही थी। पहली औरत, आज मेरे पति का जन्मदिन है, समझ में नहीं आ रहा उन्हें क्या उपहार दूं। दूसरी औरत, तलाक दे दो। गब्बर एक महिला से, सारे गहने मुझे दे दो। महिला, ले पायल, ले झुमके, ले चूड़ी, ले चेन, ले लौंग, ये सब ले लो और औरत बन जा कुत्ते। गब्बर, सारी यार तू तो इमोशनल हो गई। गब्बर, कितने आदमी थे सांबा? सरदार, दो। गब्बर, मुझे गिनती नहीं आती, दो कितने होते हैं? सांबा, सरदार, दो, एक के बाद एक आता है। गब्बर, और दो के पहले? सांबा, दो के पहले एक आता है। सरदार, गब्बर, तो बीच में कौन आता है? सांबा, बीच में कोई नहीं आता। सरदार, गब्बर, तो फिर दोनों एक साथ क्यों नहीं आते? सांबा, एक एक के बाद ही दो आ सकता है, क्योंकि दो एक से बड़ा है। सरदार, गब्बर, दो एक से कितना बड़ा है? सांबा, दो एक से एक बड़ा है। सरदार, गब्बर, अगर दो एक से एक बड़ा है तो एक एक से कितना बड़ा है? सांबा, सरदार, अब आप मुझे गोली ही मार दो, मैंने आपका नमक ही खाया है, चौनपराश नहीं। चुन्नू का पापा, इतने कम मार्क्स, दो थप्पड़ मारने चाहिए। चुन्नू, हाँ पापा, चलो मैंने उस साले मास्टर का घर भी देखा है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।